नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से ममता सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि बंगाल में हिंसा का तांडव चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल में हर दिन हिंसा हो रही है। ममता सरकार के तीसरी बार सत्ता में लौटने के साथ ही बंगाल में जमकर हिंसा देखने को मिल रही है। वहीं राज्य के सीएम ममता बनर्जी पूरी तरह से इस हिंसा पर चुप्पी साधे हुए हैं। बंगाल में हो रही हिंसा को रोकने के लिए ममता सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने फिर ममता सरकार पर हिंसा को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि हिंसा का तांडव चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को आए हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन किसी भी कैबिनेट की बैठक में हिंसा पर चर्चा अभी तक नहीं हुई है। मंगलवार को बीजेपी के विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी लगातार हिंसा का आरोप लगा रही है। चुनाव के बाद बीजेपी लगातार सत्तारूढ़ पार्टी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने, उन्हें डराने और धमकाने के आरोप लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव के बाद बीजेपी के 40 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। राज्यपाल ने कहा कि हिंसा का तांडव चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री या मंत्री ने किसी भी पीड़ित के आंसू पोंछा है? इतना ना डरो कि डर के कारण डर की चर्चा नहीं कर पाओ। एससी और एसटी पर हमले बोले गए हैं। उम्मीद है कि सरकार सकारात्मक रवैया अपनाएगी। सरकार संविधान के दायरे में काम करे, सिस्टम के बाहर जाकर काम करेंगे तो मुझे विवश करेंगे। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर राज्यपाल के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। पिछले सोमवार को वह दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे थे। वहां अधिकारी ने बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि बंगाल में धारा 356 से भी बुरे हालात हैं। दरअसल बंगाल में जब से टीएमसी सत्ता में लौटी है, उसी दिन से बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी के कारण करीब 1 लाख से ज्यादा लोग बंगाल छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। बंगाल में कानून व्यवस्था के हालात इतने खराब हैं कि आम नागरिक को तो छोड़िए, केंद्रीय मंत्री तक सुरक्षित नहीं है। इस सब के बावजूद बंगाल के सीएम ममता बनर्जी हिंसा को रोकने की कोशिश तक नहीं कर रहे हैं। राज्य के सीएम तो अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से विफल रहे ही हैं। वहीं बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ता बंगाल में लगातार किसी से गुहार लगा रहे हैं, तो वो हैं राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़। राज्यपाल धनखड़ लगातार बंगाल में हो रही हिंसात्मक घटनाओं पर बंगाल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, बावजूद इसके ममता सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से ममता सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि बंगाल में हिंसा का तांडव चल रहा है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी खामोश है। ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल में हो रही हिंसा पर ममता सरकार ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, जैसे कि बंगाल में कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।